बात करें सखर की तो असासा जात केस में खुर्शीद शाह के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसीह कर दी गई है। एहतसाब अदालत ने मुलजिम को 9 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा को बीमारी के बायस व्हील चेयर पर अदालत में पेश किया गया। एहतसाब अदालत सखर में आमदन से जायद असासे बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार रुकन कौमी असेंबली खुर्शीद शाह के खिलाफ केस की समाअत हुई। नैब की जानिब से खुर्शीद शाह के बजाय इनकी मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश की। अदालत के इस्तफसार पर नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि खुर्शीद शाह शदीद बीमारी के बाइस अस्पताल में जेरे इलाज हैं और वो सफर नहीं कर सकते। अदालत से इस्तदा है कि मुलजिम के रिमांड में मजीद तौसी की जाए। एहतसाब अदालत के जज शरफुद्दीन शाह ने नैब की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा कि खुर्शीद शाह को पेश किए बगैर रिमांड नहीं दे सकता। अदालत ने खुर्शीद शाह को 1 घंटे में पेश करने का हुक्म दिया, जिस पर नैब हुक्काम की दौड़े लग गई और उन्होंने कुछ देर बाद खुर्शीद शाह को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा को व्हील चेयर पर अदालत में लाया गया, जिस पर अदालत ने मुकदमे की दोबारा समाअत शुरू करते हुए जज एहतसाब अदालत ने खुर्शीद शाह से इस्तफसार किया कि आपको कोई परेशानी तो नहीं, आपके वकील अदालत में मौजूद हैं, अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। अदालत ने खुर्शीद शाह के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसी कर दी और मुलजिम को 9 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया।